स्टार्ट। एक बार फिर से जैसा कि आपको बताया गया था, कल मीटिंग हुई थी और ऑल इंडिया टूर्नामेंट स्टार्ट होने की, 20 जनवरी से ये ऑल इंडिया टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है लखनऊ का, जिसकी आज दोबारा मीटिंग हुई है टीमों को लेने कर दी है। तो टीमें कुल मिलाकर परदेशी टीमें 71 टीमें ली जा रही हैं और बाकी की टीमें जो बची हुई हैं वो लखनऊ की हैं, जो कि 119 टीमें हो चुकी हैं। बची टीम 9 टीमों के लिए हमारे लखनऊ से, जो लोग बहुत मतलब कहते हैं भाई हमें भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनना है, तो उनके लिए क्वालिफाई मैच रखे जा रहे हैं ये, जिनको कि लड़ाने के बाद दो राउंड काटने के बाद वो 9 टीमें निकल के आएंगी, 9 टीमें निकल के आएंगी, उनको फिर ऑल इंडिया टूर्नामेंट में हिस्सा लिया जाएगा। 128 टीमें हमारे ऑल इंडिया टूर्नामेंट की हो जाएंगी पूरी। और आप लोग को जानकर खुशी होगी कि ये टीमें जो भी आएंगी, खैर वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, और इसमें सभी को शूज पहनना अनिवार्य होगा और टच रस्सी से टच होने पर क्रीज आउट दिया जाएगा। और इस टूर्नामेंट में परदेश की टीम या जहां की भी टीम, लखनऊ की भी कोई भी, जो जिस शहर का है उसी शहर का पतंग लड़ाएगा। अगर पाया जाता है किसी और शहर का किसी और के साथ लड़ाता हुआ, तो उसकी टीम तुरंत ही स्क्रैच करी जाएगी अपनी कमेटी से, सब लोग एक दूसरे से मशवरा करने के बाद, और उनका आधार कार्ड भी देखा जा सकता है। तो इसलिए बराए मेहरबानी अपने अपने शहर की टीम खुद ही लेकर आए, वहीं के जो हों वही लड़ाए। और अब मुझे रुक गया, मेरा कहना है। और इसके आगे की जानकारी हमारे आगा उस्ताद, हमारे लखनऊ शहर के, और हमारे राजेश भैया आपको जानकारी देंगे, हमारे आगा उस्ताद। बताइए उस्ताद भाई, मेरी सभी खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है कि हमारे पास टीमें बहुत ज्यादा हो रही थी जब जोड़ी गई, तो हमें 128 टीमें ही लेना है टूर्नामेंट में, और हमारी लोकल टीमें भी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ क्लब ज़्यादा हैं। तो हम लोग ने इसका ढंग निकाला है कि 36 टीमें जो हैं उसको हम दो दो राउंड लड़वा देंगे, जिसमें से 9 टीमें बचेंगी, उस 9 टीमों को हम 128 टीमों के फिक्चर में सम्मिलित कर लेंगे। ठीक है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए कि हमको नहीं लिया, क्योंकि टीमें 128 ही हम टूर्नामेंट लेंगे, जिसमें 71 टीमें बाहर की ली जा चुकी हैं। ठीक है, सभी से मेरा अनुरोध है कि किसी को कोई भी कठिनाई या आपत्ति नहीं होगी, किसी से सवाल करे सोंडी से या सिम्मी से, राय भैया से, क्या हमारी टीम क्यों नहीं ली, क्योंकि 36 टीमें जो और भी ली गई हैं उसको हम लोग डबल राउंड लड़वा के 9 टीमें निकाल के उसको क्वालिफाई करके आगे आएंगी, उसको हम लोग फिक्चर बना देंगे। और ये क्वालिफाई मैच 6 पेचों का होगा, 6 पेचों का क्वालिफाई का होगा, वो भी क्रीज से होगा। आगे हमारे राजेश भी, चलिए कंटिन्यू। हम लखनऊ की तरफ से सभी कैट क्लब से निवेदन करते हैं, ये हर्ष का विषय हमारे लिए है कि इस बार ऑल इंडिया टूर्नामेंट लखनऊ की तरफ से हो रहा है, बहुत खुशी का विषय है। एक छोटी परेशानी हो रही थी, टीमें ज़्यादा हो रही थी, तो हम सिर्फ लखनऊ वालों से यह निवेदन करेंगे, अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बार पूरी तरह से लखनऊ के क्लबों का सपोर्ट करें, और यदि जो भी टीम लखनऊ की टीम नहीं आ पा रही है वो इस बात की एकदम चिंता छोड़ दे कि हमको नहीं लिया गया है। उनको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि इस बार ऑल इंडिया टूर्नामेंट लखनऊ में होने जा रहा है, इसी को आगे बढ़ाएं और बाहर की टीमों को मौका दें। धन्यवाद। और आप सभी से माफी भी मांगते हैं कि कल जो बताया गया था पेपर में आज निकला कि मेरे शहर का नाम नहीं है, तो कुछ मिस्टेकें हो जाती हैं कि भाई शहर का नाम लिखवाया गया नहीं लिखा, तो ये ऐसा कुछ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं लिया जाएगा, लिया जाएगा, जरूर लिया जाएगा। और ये टूर्नामेंट जो ऑल इंडिया टूर्नामेंट हो रहा है, पेपर में नादरगंज निकला था, लेकिन इस टूर्नामेंट को शिव मंदिर पे लड़वाया जा रहा है, और अगर कोई परेशानियां आती है किसी वजह से तो स्थान शिव मंदिर से फिर नादरगंज भी लिया जा सकता है, और नादरगंज से शिव मंदिर भी लाया जा सकता है, किसी भी आपत्ति के होने की वजह से या किसी वजह से किधर हवा है क्या है इस वजह से ग्राउंड चेंज किया जा सकता है। और हमारे राजेश भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। और नई चीज कह दी है राजेश भैया ने कि जो भी हमारी लोकल टीम लड़ेगी उसको भी लखनऊ में लंच दिया जाएगा, बाहर वालों को तो दिया ही जाता था,
लेकिन लखनऊ की लोकल टीमों को भी लंच दिया जाएगा। एक चीज ये सीधा इंडिया में बढ़ोतरी कर दी है जी ने। चलिए और आप लोग को एक चीज और बता दें, सब पूछते हैं इस ऑल इंडिया की कितनी एंट्री फीस है, कितनी एंट्री फीस है, तो इस ऑल इंडिया की एंट्री फीस 3500 रुपए रखी गई है और वो सभी के लिए है, ऑल इंडिया के लिए, लखनऊ की भी और प्रदेश की भी 3500 रुपए। और आप सभी को बता दें ये एंट्री फीस जो आपको देनी है, आपको बारकोड दे दिया जाएगा, बारकोड हमारे अजमी भाई का और हमारे सोटी भाई का और राजेश भैया का, इनका आपको बारकोड दे दिया जाएगा। एंट्री फीस आप इन्हीं को देनी है और इसी बारकोड के माध्यम से दे देनी है। और सभी से निवेदन है कि 31 दिसंबर लास्ट डेट रखी गई है, 31 दिसंबर तक ये एंट्रियां आ जाएं। और जिनकी एंट्रियां आएंगी वो चाहे प्रदेश हो चाहे लखनऊ शहर हो, उन्हीं का टूर्नामेंट में नाम होगा। जो एंट्री नहीं देता है तो हमें कोई प्रेशर करता है कि भाई हमारी टीम लीजिए, हमारी टीम लीजिए, तो उनकी एंट्री मैं ले लूं, यहाँ पर ली जाएगी और कोई ये ना कहे मैं वहां आकर एंट्री दूंगा। बराए मेहरबानी आपसे एक निवेदन है कि सब अपनी अपनी एंट्रियां पहले से दे दें और जिनकी एंट्री नहीं, हाँ भाई टाई पड़ती है, एंट्री आने के बाद ही टाई पड़ेगी। और टाई हमारी कितनी तारीख को पड़ेगी, 30, 28, 29, 30 तारीख, 31 तारीख, जब हमारी एंट्रियां 30-31 तारीख को आ जाएगी तो एक या दो तारीख से टाई पड़ जाएगी और 3 तारीख से क्वालिफाई मैच होंगे लखनऊ के। ये 3 तारीख से क्वालिफाई मैच चालू हो जाएंगे क्योंकि हवाएं उस समय से दिखाई जा रही है नेट पे, तो 3 तारीख से क्वालिफाई मैच होंगे। तो बराए मेहरबानी इन सब चीजों का ध्यान रखें और आप सभी देश प्रदेश सब आमंत्रित हैं इस ऑल इंडिया टूर्नामेंट में। बहुत